गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी सरकार और विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है। एक्सप्रेसवे को अब प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी और मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। केंद्र सरकार के आम बजट में हाईवे एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों का और विस्तार देने की योजना को देखते हुए योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रयागराज से वाराणसी तक के विस्तार में गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में विकास की नई राह खुलना तय है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी के साथ मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और चंदौली को भी जोड़ा जाएगा। वहीं वाराणसी को एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। और आम बजट में एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को विस्तार देने के प्रावधान को देखते हुए योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तार देने की योजना पर काम किया है, ताकि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। योगी सरकार की योजना निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तक भी ले जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि केंद्र सरकार से सहायता ली जा सके। D3 न्यूज़।